जिस तरह से आज मॉडर्न पे नाटी हुई हो उसके बारे में जानकारी दे। ये हमारी जो नाटी है विंटर कार्निवल के उपलक्ष्य में रखी जाती है। ये पारंपरिक नाटी जो है हमारे लोग, हमारी महिला मंडल की जितनी भी औरतें आती हैं राइट बैंक की, जैसे मतलब आज है 3 तारीख को करते हैं इनकी नाटी, और जैसे लेफ्ट बैंक साइड की है वो परसों होगी 5 तारीख को होगी, पर इन लोगों का बहुत अच्छी नाटी करती हैं और इनके साथ हम लोगों को भी करने का आनंद आता है। मैं मुझे ये बता किस तरह से आज जो नाटी का आयोजन किया जाए उसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मनाली में जिला कुल्लू में हर वर्ष शरदोत्सव मनाया जाता है और उसकी तिथि जो है 2 जनवरी से 6 जनवरी तक जो है निर्धारित की गई है, और उसी अनुसार यहाँ पर पिछले कल 2 जनवरी को जो है हमारे यहाँ विंटर कार्निवल के नाम से जो है ये उत्सव मनाया जाता है। कल इसका शुभारम्भ हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी और हमारे स्थानीय विधायक और हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी के माध्यम से जो है यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया, और आज दूसरा दिन शरदोत्सव का है। और पिछले कल भी जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे यहाँ इस कार्निवल की जो शुरुआत है वो झांकियों से होती है, और उसमें जो हमारी कुल्लू की महिलाएँ जो है उसमें झांकियाँ प्रस्तुत करती हैं, और जो बाहर से भी पार्टीज आती हैं और लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हमारी कुल्लू की महिलाएं, कुल्लू मनाली की महिलाएं इस बार बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस बार लगभग 162 महिला मंडलों ने झांकी में भाग लिया, और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का और गोविंद ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये जो महिलाएँ झांकी में पार्टिसिपेट करती हैं इनको पिछले वर्ष तक जो है 2 साल पहले जब हमने कोरोना से पहले ये शरदोत्सव मनाया था इनको 8,000 रुपया जो है झांकी में पार्टिसिपेशन का दिया जाता था, लेकिन इस बार मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ मुख्यमंत्री जी का और गोविंद ठाकुर जी का कि उन्होंने इस राशि को बढ़ाकर 8,000 से 10,000 जो पार्टिसिपेशन किया, उसके बाद जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो अलग राशि रहती है, और उसी के अनुसार आज 3 तारीख को जो है हमारा हमारे कुल्लू में मनाली में जो है बीच में ब्यास बहती है और इसे इसको राइट बैंक और लेफ्ट बैंक का जो नाम दिया गया है, इसलिए यहाँ मनाली शनाग पंचायत से लेकर जो हमारा राइट बैंक ब्यास का पड़ता है आज राइट बैंक की महिलाओं की नाटी थी, और परसों 5 तारीख को लेफ्ट बैंक की जो महिलाओं की नाटी होगी, और बुरुआ से लेकर नगर गहर सेवबाग तक जो ये महिलाएँ या खराहल तक इसमें भाग लेंगी। और आज जो है आज मैं आपको बताना चाहती हूँ आज लगभग 88 महिला मंडलों ने नाटी में भाग लिया, और उनके ड्रेस काला पट्टू आज उनको दिया गया था।